कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक के आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में समभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए
अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। अध्याय 2। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदिकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं कि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीही को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार और शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्मदमन और स्वर्ग दूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ कटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ
संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अध्याय 3। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीही सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई
और परमेश्वर के भय से, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। अध्याय 4। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए, और वो तुम्हारे हृदयों को शांति दे, और उसके साथ उन्हें सुमुस को भी भेजा है जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस तरखुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबा का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, और यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वो तुम्हारे लिए और लौदिकिया और हियरा पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदिकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना, और जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदिकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वो पत्र जो लौदिकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। फिर अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।